कम, एम आई ऑडिबल? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मैनी स्टूडेंट्स आर हियर ऑनलाइन आज. चलिए एक बार सबको वेलकम कर लेते हैं. हेलो हरविंद, वेलकम. हेलो संदीप भंडारी, वेलकम. हेलो सचिन, वेलकम. हेलो जय विक्रम सिंह, वेलकम. हेलो रोहन लोखंडे, वेलकम. रॉबिन कुशवा, वेलकम. ललित मालव, वेलकम. मंगल सिंह, वेलकम. विक्रांत कुमार, वेलकम. शेफाली, वेलकम. शेफाली, वेलकम. सार्थक सिंह, वेलकम. कौस्तुभ सिंह, कौस्तुभ मिश्रा, वेलकम. राम यादव, वेलकम. रूपक, वेलकम. स्टिल मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनलाइन. एक बार ग्रुप पे डाल दीजिए सबको. जो लोग ऑनलाइन नहीं है वो आ जाएंगे. फिर अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को. हेलो नेहा, वेलकम. सबको मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल टू ऑल? दो मिनट वेट कर लेते हैं. जैसे ही फिर अपन एक बार सारे स्टूडेंट एंटर हो जाएं. जितने लोग ऑनलाइन हैं एक बार रिप्लाई करें. जितने भी लोग ऑनलाइन हैं एक बार रिप्लाई करें. ओके ओके ओके. काफी लोग अभी भी नहीं आए हैं. ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए. एक बार आप जब इस ग्रुप में हैं सब में ये मैसेज डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक मिनट और. देखो ये जो सेशन है हमारा, ये जो सेशन है हमारा, दिस सेशन इज ऑन हाउ टू सॉल्व. हेलो गणेश. वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस मैथमेटिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. हेलो पलव शर्मा, वेलकम. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हाउ टू सॉल्व वेरियस मैथमेटिकल. वैसे यार आफ्टरनून तो नहीं बचा. हाउ टू सॉल्व वेरियस सर बहुत. तो शशि थरूर सर के लेक्चर सुन रहे हैं. हेलो रजनीश सिंह. अरे यार ये गलत बात है यार. शशि सर का तो लेक्चर आप बाद में सुन सकते हो. हाउ टू सॉल्व, ये ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है. अपन लगभग आधे घंटे का लेक्चर लेंगे. मैं तीन सेशन में करवाऊंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको. How to solve various mathematical calculations, how to solve various mathematical calculations without calculator, without calculator. तो बिना calculator की मदद के हम लोग कैसे calculations कर सकते हैं, without calculator की मदद के हम लोग कैसे calculation कर सकते हैं. Basic basic operations हैं. कुछ tricks मैं आपको आज दूंगा, कुछ tricks मैं आपको परसों की class में दूंगा. Total याद रखना इसके हम लोग टोटल तीन सेशन लेंगे सर. थैंक यू, ये टॉपिक लेना है. इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं समझता हूँ इस बात को. टोटल इस टॉपिक के तीन सेशंस होंगे. टोटल तीन सेशंस मैं लूंगा आपके, तीन सेशंस लूंगा मैं आपके. एक सेशन आपका आज हो रहा है 5 बजे. हेलो सुमित कुमार, एक आज का सेशन है. दिस इज योर फर्स्ट सेशन. ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेशन है. सेकेंड सेशन एक आपका होगा. हेलो विश्वजीत, वेलकम. एक सेकेंड सेशन होगा आपका और एक आपका थर्ड सेशन होगा. टोटल तीन सेशन. थर्ड सेशन, फर्स्ट सेशन आपका आज है और ये नियरली आपका 30 to 45 मिनट्स का होगा. वो प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है. हम लोग प्रॉब्लम्स भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. देन आपका नेक्स्ट सेशन भी कुछ 45 मिनट्स का होगा, 30 to 45 मिनट्स का होगा. एंड आखिरी सेशन आपका 1 आवर लॉन्ग होगा. ठीक है, तो ये सेशंस हैं मेरे जो मैं आपके लिए अभी लेने वाला हूँ. ठीक है, तीन सेशंस अपन रहने वाले हैं, है ना. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेशन की. देखो यार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना लोगों को,
सबसे पहली सबसे बेसिक प्रॉब्लम देखो, एक आज है आपका टुडे 16th, सेकंड सेशन आपका होगा ऑन 18th, हेलो हेमा प्रकाश शर्मा, दूसरा आपका होगा 18th को और तीसरा आपका होगा 20th को, तीन सेशन होंगे, ठीक है, तीन सेशन, एक एक दिन का गैप ताकि आप लोग कर सको, ओके, तो आज एक सेशन आपका 16th को, देन 18th को, देन 20th को, चलो शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं, हेलो वेलकम, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को स्क्वायर्स में आती है, स्क्वायर्स में आती है, ठीक है, हम लोगों को स्क्वायर कैलकुलेट करने में, हेलो सरिता वेलकम, हम लोगों को स्क्वायर कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कई सारे स्क्वायर हमें याद होते हैं लेकिन कई सारे स्क्वायर हम लोग, हेलो सिद्धार्थ वेलकम, कई सारे स्क्वायर हमें याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम लोग स्क्वायर्स नहीं फाइंड कर पाते हैं, हम लोग स्क्वायर्स नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो मैंने स्क्वायर के पैटर्न को देखकर एक ट्रिक बनाई है, स्क्वायर के पैटर्न को देखकर एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के थ्रू आप स्क्वायर्स को बहुत इजीली याद कर सकते हो, बहुत इजीली, मतलब वैसा नहीं जो आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा, यूट्यूब पे आपने कई सारे ट्रिक देखी होंगी स्क्वायर याद करने की, मेरी ट्रिक थोड़ी यूनिक है, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना और चीजों को नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है, चलो मैं आपको बोलता हूं, मुझे बताओ वन का स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ वन, वन, टू का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर क्या, देखो सब लोग जवाब देना, जितना आप इंटरेक्ट करोगे ना उतना ही आपको मजा आएगा, टू का स्क्वायर फोर, ओके, थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, हेलो कनिका वेलकम, फोर का स्क्वायर, मैं एक एक चीज को तीन तीन बार रिपीट करूंगा, एक एक ट्रिक को तीन तीन बार रिपीट करूंगा ताकि आपको रट जाए, ठीक है, 16, ओके, चलो आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 25, बहुत बढ़िया, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, बहुत सिंपल, मैं अपन सबके एक बार 10 तक के स्क्वायर लिख लेते हैं, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर इट्स 100। अभी तक लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर, ये क्या लिखवा रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, अपन लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज सुना, इसमें एक सीरीज टर्म होता है, अगर आप नोटिस करो, मैं अगर इस वर्ड को हटा दूं, इसको हटा दो, सिर्फ वन को हटा दो, वन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वन के अलावा मैं आपको एक सीक्वेंस नोट करवाता हूं, 4 और 9 के बीच में गैप कितना है, 4 और 9 के बीच में गैप कितना है, देखो लॉजिकली पढ़ेंगे, 4 और 9 के बीच में गैप कितना है, 5 का, 9 और 16 के बीच में गैप कितना है, 7 का, 25 और 36 के बीच में गैप कितना है, देखो 16 और 25 के बीच का गैप कितना है, 16 और 25 के बीच का गैप कितना है, 9, यहां गैप कितना आ रहा है, 11, हेलो आदर्श वेलकम, 36 एंड 49 के बीच का गैप कितना है, व्हाट इज द गैप बिटवीन, इट्स 13, 49 एंड 64 के बीच का गैप कितना है, इट्स 15, ठीक है, नेक्स्ट देखो 64 एंड 81 के बीच का गैप कितना है, 81 के बीच का गैप कितना है, इट्स 17, करके देख लेना 17 का गैप आएगा, एंड 81 एंड 100 के बीच का गैप कितना है, 19, यानी कि इसके नेक्स्ट नंबर के बीच का गैप कितना होगा, हाँ इसके नेक्स्ट नंबर का बीच का गैप कितना होगा, 21, सो अगला नंबर अपन यहां से साफ साफ ले सकते हैं, इट्स 121, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, ऐड कर दो 23, दैट्स 144, ठीक है, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 169, कैसे आएगा, बस बीच के टर्म्स को ऐड करना है, देखो ये सारी इवन सीरीज, इट इज गोइंग टू बी एन ऑड सीरीज, आपको ये ऑड सीरीज दिखाई दे रही है, पहली चीज तो आपको ऑड नंबर की सीरीज दिखाई दे रही है, ठीक है, इट्स एन ऑड सीरीज जो कि 3 देन 5 देन 7 देन 9 एक ऑड सीरीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये गैप आपका कितने का आ गया, इट इज 25 कंटिन्यूसली, हेलो दीपक शाह वेलकम, अब एक और चीज नोटिस करने वाली है, ये तो पहली चीज है, पहली चीज हमें जो नजर आई स्क्वायर्स क्या है,
स्क्वायर्स आर बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स आर बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर. एक चीज तो ये समझ में आई. दूसरी चीज अगर आप नोटिस करो, आप ये नंबर देखो, ये नंबर क्या है? व्हाट इज दिस नंबर? सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कोई भी रैंडम नंबर का? सुन लो, देखो रॉबिन अभी सुनना चालू करो, चीजें धीरे धीरे चल रही हैं. मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, किसी भी रैंडम नंबर का निकाल लोगे आप, किसी भी रैंडम नंबर का निकाल लोगे. सुन लो ठीक है, अब सुनो इस चीज को. मैंने आपको बोला टू, ओके दिस इज टू, टू क्या है बताओ? यहाँ पे टू है, ये इवन नंबर है. नहीं नहीं, इवन नंबर नहीं, नंबर क्या है? दिस नंबर इज टू ठीक है, और ये गैप है फाइव. अगर मैं दो में तीन ऐड करूं तो क्या बनेगा? पांच बनेगा. बन रहा है? टू प्लस थ्री गिव मी फाइव. चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं. इस चीज को आगे लगा के देखते हैं. ये नंबर क्या है? थ्री. अगर थ्री में मैं इसका नेक्स्ट नंबर ऐड करता हूं, जिसका स्क्वायर निकालना है वो ऐड करता हूं, तो क्या बनेगा? सेवन. बिल्कुल ऐसे ये नंबर क्या है? दिस इज फोर. दिस इज फोर. फोर में इसका नेक्स्ट नंबर फाइव ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा? इट्स योर नंबर नाइन. चलो यहां लग रहा है, इधर काउंट करके देखते हैं. मुझे सेवन की जगह मुझे एट का स्क्वायर निकालना है ठीक है. सेवन की जगह मुझे एट का स्क्वायर निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखो सेवन, सेवन का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर प्लस सेवन प्लस एट. काम खत्म. दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ एट. यानी कि ये नंबर, जिस नंबर का, जिस नंबर का स्क्वायर पता है, जिस नंबर का स्क्वायर पता है. हेलो प्रियंका वेलकम. जिस नंबर का, देखो जो हम अब कुछ नई ट्रिक्स देख रहे हैं, मैं वो ट्रिक्स नहीं बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले से सीखी पड़ी है. आपने इंटरनेट पर सर्च किया होगा, कई सारी ट्रिक्स आपको मिलती है, अपन उनकी बात ही नहीं करेंगे, अपन नई ट्रिक की बात करेंगे. जिस नंबर का स्क्वायर पता है ठीक है, उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, जिसका स्क्वायर पता है, जिस नंबर का स्क्वायर पता है वो रखेंगे, प्लस प्लस क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर को ऐड करेंगे, स्क्वायर प्लस वन वाले नंबर को ऐड करेंगे एंड स्क्वायर नंबर को लिख देंगे. सिंपल. दिस विल गिव अस दी नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर. सिंपल सी बात. तो यहां पे तुम इसको किसी नंबर पे अप्लाई करके देख लो, किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर पे अप्लाई करके देख लो. 25 है ये, हमें पता है. दिस इज, हेलो सर आपका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा मैं. हेलो मिस्टर रेडी वेलकम. सो यहां नंबर मेरे पास है 12 का स्क्वायर क्या करना है? अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मुझे 144 प्लस 12 प्लस इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 13 ऐड करना है. काम खत्म. तो अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 31? 31 का स्क्वायर क्या होगा? हम लोग 31 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 30 का स्क्वायर. हेलो आर के पटेल. 30 का स्क्वायर प्लस व्हाट? 30 का स्क्वायर प्लस 31 प्लस 30. काम खत्म. 961. मुझे 32 का स्क्वायर निकालना है. 32 का स्क्वायर निकालना है. कैसे निकालेंगे? 30 का स्क्वायर, एक सेकेंड रुको, मैं आपको सब लिखने दूंगा, सब लिखने दूंगा. 30 का स्क्वायर प्लस, देखो 31 मत लिखना यहाँ पे, 1024 बिल्कुल सही. देखो 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 32. काम खत्म. सिंपल है. तो आप इन चीज को देखो ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, याद करना बहुत आसान हो जाएगा, चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा. आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हो. नंबर बोलो, हम लोग नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे. अरे यार देखो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा कि यू कांट, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है कि मान लो आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, 36 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर याद रखो ना, आसान रहेगा. इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालना बहुत ईजी है, तो ये सिंपल रहेगा. मतलब देखो ये एक तरीका और है जो कि हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. मैंने कहा ना कि
कि मैं आपको कुछ नई ट्रिक्स दूंगा, पुरानी ट्रिक्स कंटिन्यू नहीं कर रहा मैं, पुरानी ट्रिक कंटिन्यू आप भी कर सकते हो कंटिन्यू, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? जिनको स्क्वायर याद है उनके लिए तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये, जिनको स्क्वायर याद है वो लोग यूज कर सकते हैं, उनको मना नहीं कर रहा मैं, बट अपन इस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द सीक्वेंस, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक है दैट यू कैन यूज। ठीक है, इसको लिख लो फिर अपन आगे चलते हैं। कहां से स्टार्ट किया था? यहां से। चलें आगे। थर्टी टू वाला रिपीट, थर्टी टू देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मुझे थर्टी टू निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर कैसे लिखूंगा बताओ? इसको मैं लिखूंगा 31 का स्क्वायर प्लस 31 प्लस 32, खत्म। और 31 का स्क्वायर कैसे लिखूंगा? 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31। देखो आपको ज्यादा टाइम ये निकालने में नहीं लगेगा, आपको ये चीज निकालने में कोई बहुत बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़, यहाँ पे सिर्फ एडिशन करना है, और एडिशन करना ज्यादा आसान है मल्टीप्लीकेशन करने से। जितना टाइम आप लिख के मल्टीप्लाई करने में लगाओगे उतना आप एडिशन में कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि ऐड करना है, ऐड करना बहुत आसान है भाई, इनको ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये 63 सीधा बना, ठीक है, ये 61 सीधा बना, दोनों को जोड़ दो, 32 स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ 30। अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, देखो अरविंद सिंपल है, मुझे 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 के स्क्वायर को पहले मैं लिखूंगा कैसा, 31 का स्क्वायर प्लस 31 प्लस 32, फिर 31 को मैं लिख लूंगा कैसे, 30 का स्क्वायर प्लस 31 प्लस 30, खत्म। आप लिखते जा रहे हो ये कैलकुलेटर जा रहा है, ये 900 अपने आप बन गया, एक काम तो पर खत्म ही हो गया। ठीक है, दिस इज योर 63, दिस इज योर 61, काम खत्म, 124 आंसर आ गया, 1024। कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 5 to 6 सेकेंड्स। 34 स्क्वायर का कैलकुलेट करें, ठीक है, 34 का स्क्वायर का कैलकुलेट करते हैं अपन। 34 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, देखो सिंपल सी बात है, इसको भी मैं वैसे ही सकता हूं, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 31 प्लस 32, 30, 31, 32। आप साथ साथ ऐड करते जाइए, देखिए ऐड लिखते लिखते ऐड करते जाइए, अपने आप वैल्यू बनती जाएगी। ठीक है, 31, 31, 32, 33, 33, 34, काम खत्म, लिखते जाइए ऐड करते जाइए, हैंड टू हैंड ऐड करते जाइए, साथ साथ ऐड करते जाइए, आपका बिल्कुल आंसर विद इन 10 to 11 सेकेंड निकल जाएगा, 10 से 11 सेकेंड में आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो स्क्वायर्स में हम लोग ये एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, इसकी और जो कन्वेंशनल ट्रिक्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही साथ साथ, पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। हेलो अभिषेक पटेल, वेलकम। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, ये समझ में आई सबको, स्क्वायर की ट्रिक क्लियर हुई एक, इज इट क्लियर टू ऑल? पक्का सबको क्लियर हुई? देखो आप ये यूज कर सकते हो, ये इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, सिंपल सी बात है कि आपको 3 से 4 चीजें समझ में आएंगी। देखो हमें कोई बहुत बड़ा कुछ याद ही नहीं करना है, इस वाली ट्रिक में आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है। कन्वेंशनल मेथड जितने आप करते हो उन कन्वेंशनल मेथड में चीजों को याद करना पड़ता है, आप करने बैठोगे 32 into 32 तो वो थोड़ा सा है। सर डिवीजन का भी बताइएगा, ठीक है अपन चलाएंगे, आप टेंशन मत लो, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, मेरा मेन फोकस यही है कि आपको याद ना करना पड़े, याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, तो अब निकालते हैं हम लोग स्क्वायर की ट्रिक, स्क्वायर रूट की ट्रिक।
स्क्वायर रूट की ट्रिक। स्क्वायर रूट की मैं दो ट्रिक्स आपको बताऊंगा, स्क्वायर रूट की दो ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। पहली ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो पहली ट्रिक अगर आप देखेंगे, दैट इज सपोज मुझे अंडर रूट निकालना है, मुझे अंडर रूट निकालना है 71। सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अंडर रूट 71, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इससे पहले मुझे पता है कि ये परफेक्ट रूट नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट रूट, ये आपका परफेक्ट रूट नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट रूट नहीं है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। सबसे पहले तो हम लोग पता करेंगे कि इससे पहले और इसके बाद कौन सा नंबर आता है, इसके पहले और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर परफेक्ट बन रहा है। तो अगर आप देखोगे 64, इससे पहले वी हैव 64 एंड इसके बाद हमारे पास है 81, 64 और 81, ठीक है, यहां पर नंबर आ रहा है व्हाट, ठीक है, 64 एंड 81। अगर हम देखें 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, तो कैसे लिखेंगे, इट इज 8 प्लस डिवाइड में इस नंबर का, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8 को दुगना कर देंगे, 8 को दुगना कर देंगे, ये लगभग इससे गैप के बीच में आता है, और ये नंबर देखेंगे कि 64 से कितना दूर है, सो इट इज 5, सो द टर्म्स कम्स आउट टू बी 8 + 5/16, सो दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 71, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 71, 8 + 5/16, 7, रूट सर ये 3 डिजिट के ऊपर देगा, मतलब सर ऐसे तो हम रूट एक्स मान के डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, तो यार कर सकते हो, हमें तो अप्रोक्सीमेशन चाहिए। देखो यार मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा, मैं आपको क्यूब रूट तक का अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा, आज क्यूब रूट तक का अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा, आप लोग कैलकुलेटर से करके देखिए, आंसर बिल्कुल नियर बाई आ रहा होगा, नियर बाई आपका आंसर पहुंचेगा, ठीक है ना दीपक, नियर बाय आंसर लाना है काम है मेरा। स्क्वायर रूट की ट्रिक्स आपको ऐसी मिल जाएगी, अपन क्यूब रूट पे भी ट्रिक को लगा के देखेंगे ना यार, रुको ना, आप देखो चलते जाओ चीजों को साथ साथ, हमारा काम ये नहीं है, आपको ईएस में कभी इतना एग्जैक्ट आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि यार 7.71 एक आंसर दे रहा है, एक 7.73 दे रहा है, एक 7.79 दे रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आता है, गेट क्वेश्चन में तो यार देखो यार गेट में कैलकुलेटर है मंगल, गेट में कैलकुलेटर है, वहां तो चाहिए ही नहीं आपको, ये गेट में काय को अप्रोक्सीमेशन करना है भाई, जहां कैलकुलेटर है वहां अप्रोक्सीमेशन करोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, मैं सीधा फ्रैंक बात बोल रहा हूं। देखो जो क्वेश्चन बहुत क्लोज है उनको छेड़ो ही मत, उसको कैसे करने का है बता रहे भाई, फ्रैक्शनल पावर भी करने का आपको बताएंगे, ठीक है, सुनते जाओ, पहले चीजें सुन तो लो यार, तुम पहले भागते जाओ आगे, हमें आगे पढ़ना है, पहले बेसिक मत पढ़ो, समझ में आया भाई। गेट में अगर मैं देखो पहली चीज, गेट में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर होने के बाद अगर तुम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो तुमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तुम गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 से ऊपर लेके आओगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि तुम आधा टाइम वहीं लगाओगे, ठीक है। ये ईएस के लिए है, और ईएस में अगर दो आंसर बहुत क्लोज है और फिर तुम उसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब तुम महामूर्ख हो चुके हो, सिंपल सी बात है, ये दोनों बात समझना, दो आंसर बहुत क्लोज है क्योंकि ईएस में हमें 60-70% स्कोर करना है, तो एक क्वेश्चन हमारा फ्यूचर डिवाइड नहीं करेगा, डिफाइन नहीं करेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है, अप्रोक्सीमेशन वही यूज करना है जहां लगता है, हर किसी में मत करने बैठ जाना, जहां दो आंसरों में आपको क्लोजनेस नहीं दिख रही है लगाओ अप्रोक्सीमेशन, आंसर निकाल के घर जाओ, सिंपल। ठीक है, हाँ, ऑल रियल नंबर, एक से ऊपर वाली रैंक पता ही होगी कौन सी होती है, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। अब इस तरीके से मुझे बताओ, देखो अप्रोक्सीमेशन करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाननी, अंडर रूट मैंने तुम्हें बता दिया सपोज 136, बताओ क्या बनेगा, कैसे निकलेगा। हेलो जितेंद्र, वेलकम, 136 कैसे निकालेंगे, ये आ रहा है 11 के स्क्वायर के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे, देखो 11 प्लस
11 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121, हाँ 11 और 12 के बीच 121 माइनस 36 इतना हुआ 15, 15 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर दैट इज 22 आंसर. खत्म, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर निकालो और आगे चलो, सिंपल आंसर निकालो और आगे चलो, ठीक है. तो ये ऐसे कर सकते हो, एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड वे, सेकंड मेथड, अगर सेकंड मेथड की मैं बात करता हूं तो सेकंड मेथड हम लोग कौन सा यूज करेंगे. हेलो राहुल वेलकम, हाँ हेलो जितेंद्र आप भी वेलकम, आपको भी. सेकंड मेथड अगर मैं आपको बताता हूं तो देखो, सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है. सपोज मुझे निकालना है क्या, सपोज मुझे निकालना है, मुझे निकालना था 136 ही. हम लोग क्या करेंगे, हमें 136 निकालना है. सपोज हमें निकालना है 136, ठीक है. तो 136 क्या निकालेंगे, इसका देखेंगे इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और इसके बाद में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है. तो पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है आपके पास बताओ, 121, बाद में कौन सा आ रहा है 144, ठीक है. ये 11 और 12 का है, 11 और 12 का, ठीक है, 11 और 12 के बीच का नंबर है. अब हम क्या करेंगे, देखो हम लोग ऐसा लिखेंगे 12 माइनस 11 और इधर लिखेंगे 144 माइनस लिखेंगे यहाँ पे 121, ठीक है. 144 माइनस 121 कितना आया ये बताओ, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 23. वैसे 12 प्लस 12 आप कर सकते हो, 23 आपको बीच का गैप मिल जाएगा. यानी कि देखो एक नंबर पे, एक नंबर पे हमें, देखो अगर मैं बोलूं कि 11 से 12 के स्क्वायर पे जाने के लिए, 11 से 12 के स्क्वायर पे जाने के लिए 23 नंबर का गैप लेना पड़ेगा, 23 नंबर का गैप आ रहा है, ठीक है. यानी कि अगर मुझे किसी एक नंबर का गैप लेना है, सिर्फ वन नंबर का गैप करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/23, ठीक है. एक नंबर का गैप लेना तो 1/23 आएगा. तो हम लोग जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ यूनरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड है हमारा, अगर हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना आया था अभी पर निकाल के आए थे पहले, इट इज व्हाट, इट इज 15. तो क्या होगा, तो अगर मुझे 15 नंबर का गैप देखना है तो कितना आएगा, 15/23. तो आंसर देखेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू, हेलो राहुल कुमार, 11 प्लस 15/23. ये आपको ज्यादा एग्जैक्ट आंसर देगा. हेलो पंकज तिवारी वेलकम. यहां पर एग्जैक्टनेस के चांसेस क्या हैं, यहां पर एग्जैक्टनेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, यहां पर एग्जैक्टनेस के चांसेस हाई हैं. पहला मेथड कन्वीनियंट है लेकिन दूसरे मेथड से आंसर बहुत ज्यादा नियर आएगा. अगर मान लो कभी आपको एग्जैक्ट आंसर के आसपास चाहिए तो सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हो. हाँ सुनो मैं वापस बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. तो सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है, थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू. सपोज मुझे निकालना है अंडर रूट, व्हाट, मुझे अंडर रूट निकालना है सपोज 91, मैं 91 अंडर रूट निकालना चाहता हूँ, अंडर रूट 91. पहले छोटे नंबर पर प्रैक्टिस करके बड़े नंबर पर जाना, ठीक है. 91 लिख दिया यार, थोड़ा सा लेट हो गया, चलो 183 भी निकाल देंगे. हेलो पीयूष वेलकम, लिखे हुए को तो वापस नहीं करूंगा, नेक्स्ट 183 भी निकाल दूंगा. मुझे निकालना 91, तो कैसे निकलेगा, यहां पर इससे पहले अगर आप देखो तो इससे पहले किसका स्क्वायर आता है बताओ, दैट इज 99 जा 81, और इधर अपने पास 100 आएगा, ठीक है. हमें हमारे इस मेथड से पता है, हमें हमारे इस मेथड से पता है कि कितने का गैप लेना है. तो ये 81 है, ठीक है. तो 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर. तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 9 + 10, दैट कम्स आउट टू बी 19, ठीक है. 19 गैप दिख गया. अब देखो 9 से 10 स्क्वायर तक आने के लिए हमें कितने नंबर का चेंज करना पड़ा, हमें 19 नंबर ऐड करने पड़े, आया ना 9 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक आने के लिए 19 नंबर ऐड करने पड़े. तो सपोज मुझे सिर्फ एक ही नंबर, मुझे 9 से सपोज 9.1 जाना होता, सिर्फ एक ही नंबर का चेंज करना होता,
मुझे किसी भी एक पॉइंट का चेंज करना पड़ेगा अगर, ठीक है, 19 नंबर का चेंज करने पे 9 स्क्वायर से 10 स्क्वायर आ रहा हूं, तो अगर मैंने एक नंबर का चेंज किया होता सिर्फ, मतलब मैं 81 से 82 ही आया होता, तो मुझे कितना चेंज मिलता? मुझे 1/19 का चेंज मिलता, 1/19 का चेंज मिलता ना, सिंपल। यानी कि अगर अगर मान लो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे अगर 91 कैलकुलेट करना है, तो 81 माइनस 91 किया कितना होगा, दैट विल बी 10। यानी कि टोटल चेंज 91 तक जाने के लिए, यानी कि 10 नंबर आगे जाने के लिए कितना होगा, 10 into 1 by 19। यानी कि आसान भाषा में देखूं मैं तो अंडर रूट 91 कितना आएगा, अंडर रूट 91 विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 91 विल बी इक्वल टू 9 plus 10 by 19। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अगला मुझसे किसी ने पूछा था अंडर रूट 183 बताओ। अब बताओ 183 किससे पहले आएगा, बोलो 169। बस हमें 169 याद रखना है, हमें आगे का याद ही नहीं करना। इसके आगे वाला काहे को याद कर रहे हो, इसके आगे वाला काहे को याद कर रहे हो, 13। तो 13 प्लस 14 का डिफरेंस हो गया, 13 प्लस 14 का डिफरेंस हो गया, आया ना? तो आंसर क्या होगा, 13 प्लस 183 माइनस 69 किया, 183 माइनस 69 किया, और नीचे हमने लिख दिया 27 का ग्रैप है। तो 183 माइनस 69 करोगे कितना आएगा बताओ, इट इज 14। काम खत्म, आंसर। एक ही ट्रिक दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो, देखा पहले वाली ट्रिक को हम लोग यहां यूटिलाइज करके इजीली आगे कैलकुलेट कर पा रहे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है जो अपन ने लिखा, अपन इसको उल्टा नहीं लगा सकते। देखो अगर तुमसे कभी कोई बोले, हमने सीधा लगा के देख लिया, उल्टा लगाएंगे तब भी यही आएगा। मान लो अगर मैं इसे उल्टा जाता, अगर मैं यहां पर लेता 196, तो 196 क्या होगा, 14, आया ना, 14 होगा। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, 14 माइनस 27 तो है, और 196 माइनस 13 का गैप कितना होगा, 13। कैलकुलेट करके देखना, ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी, दोनों की वैल्यू लगभग सेम आ रही होगी, करके देखो। चाहे आप 13 प्लस 14 बाय 27 करो, चाहे 14 माइनस 13 बाय 27 करो, दोनों आंसर आपके सेम आ रहे होंगे नियरली। सेम आ रहा है सबका, सेम आ रहा है, ट्वेंटी सेवन इन फर्स्ट मतलब क्या, क्या पूछ रहे हो आर के पटेल, पटेल साहब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ट्वेंटी सेवन कैसे आया? अरे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है ना, 196 माइनस 169 निकालना है, 196 माइनस 169, इट्स 1। राहुल यार आप लेट आयो, इसलिए लेट आयो, इसलिए 13 प्लस 17 करना है ना। देखो इन दोनों के बीच का गैप निकालो, 27 साफ साफ दिख रहा है, वैसे हमको गैप याद करने की जरूरत ही नहीं है यार। देखो फर्स्ट वाले से ज्यादा पास आ रहा है रिजल्ट, इसमें रिजल्ट की एक्यूरेसी अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको रिजल्ट की एक्यूरेसी बताऊं, देखो सुनो, रिजल्ट की एक्यूरेसी बता देता हूं मैं आपको सेकंड वाले में। देखो एक तो हमारे पास क्या है, सपोज हम लोग अंडर रूट निकाल रहे हैं, अंडर रूट ए निकाल रहे हैं, ठीक है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के बीच में लाया कर रहा है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में लाया कर रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, एक्स प्लस अगर हम देखें इन दोनों का गैप सपोज जेड आ रहा है, सो एक्स प्लस अगर हम देखें, एक्स प्लस अगर आप देखोगे एक्स माइनस ए
sorry. A minus x square upon a minus x square upon z लिखोगे और दूसरा है y minus z square minus a upon z करोगे. अगर आप पहले 50% के लिए लेते हो ठीक है, तो इसका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा. हाफ द डिस्टेंस के लिए इसका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा एंड रिमेनिंग हाफ के लिए इसका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा. रिमेनिंग हाफ के लिए इस बात को याद रखना, पहले हाफ के लिए इसका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, बाद के हाफ के लिए इसका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा. बट दोनों रिजल्ट ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डेविएशन देंगे, लगभग 0.04% का एरर आता है, बहुत बड़ा एरर नहीं आएगा, काफी कम एरर मिलेगा आपको इसके अंदर. ठीक है, क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुआ? हेलो अनुपम, वेलकम. तो यूज आप कुछ देखो, यूज करने का तरीका है, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो. प्रैक्टिस करो आंसर निकलेगा. अब ऐसे प्रॉब्लम आती है हमको क्यूब रूट निकालने में. हाँ, वो भी कर सकते हो. देखो 2x करना थोड़ा आसान लगता है, 2x करना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन थोड़ी एरर बढ़ जाती है जब आप 2x करोगे ना, थोड़ी सी एरर बढ़ जाएगी. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखो यार सुनो ना भाई, मैं तुम्हें बताया, तुम लोग यहां पे 2x लिख रहे हो. अगर मैं y माइनस एक्स करता हूं तो कितना आएगा बताओ? y माइनस एक्स करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है. यानी कि आसान भाषा में बोलूं तो y तो क्या है मेरा, x प्लस 1 ही है. तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं, अगर मैं सपोज इन दोनों के बीच का गैप निकाल रहा हूं ठीक है, अगर मैं इन दोनों टर्म को ऐड करता हूं, मैं y प्लस x कर रहा हूं, तो मैं इसको 2x प्लस 1 बोल सकता हूं ना. इट इज एक्चुअली 2x प्लस 1. ये जो गैप है, ये जो इन दोनों टर्म के बीच का गैप है, ये क्या है एक्चुअली? 2x प्लस 1 ही तो है. द गैप इज 2x प्लस 1. तो हल्का सा एरर तो आएगा जब तुम 2x लेके चलोगे. तुमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो कुछ तो एरर देगा ना, वो थोड़ा सा एरर और बढ़ गया, बस वो डिफरेंस है. अब हम देख रहे हैं क्यूब रूट की बात. देखो क्यूब रूट निकालने की भी ट्रिक है. हाँ, 2x में प्लस 1 कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई इतना सा डिफरेंस है भाई. देखो अगर मैं क्यूब रूट निकालने की ट्रिक बताऊं, देखो हमें पता है क्यूब रूट मतलब x का क्यूब होता है. हाँ ना, क्यूब रूट मतलब क्या होता है? इट्स x का क्यूब. सिंपल है, इट्स लॉजिक, x का क्यूब है ना. तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैं इस फंक्शन का, मैंने एक फंक्शन माना है fx, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं f'x निकालो, क्या होगा इसका? 3x स्क्वायर. यही होगा 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन. देखो सिंपल सी बात है, अब मैं 3x स्क्वायर को मानूंगा क्या? 3x स्क्वायर को मैं, नेटवर्क इशू आ रहा है किसी के? All good, पक्का? ठीक है, चलो. तो मैं इसको मानूंगा अब वो बीच का गैप, इसको मानूंगा मैं वो बीच का गैप, जो अपन ने यहां पे गैप माना था ना, उसको अपन अब यहां पे गैप को कन्वर्ट कर देंगे 3x स्क्वायर से. ठीक है, सपोज मान लो मुझे क्या बोलना है, सपोज मान लो मुझे निकालना है, एक सेकेंड को, मैंने अंडर रूट एक दो निकाले थे, मैं वही करवाता हूँ आपको. सपोज मान लो मुझे 130 का क्यूब रूट निकालना है, 130 का क्यूब रूट निकालना है. तो 130 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? देखो भाई सिंपल सी बात है, क्यूब रूट के अंदर अगर मैं क्यूब रूट में बात करता हूं तो ये 5 के क्यूब से बड़ा होगा. दिख रहा है? इट इज ग्रेटर देन 5 का क्यूब. 5 के क्यूब से बड़ा है, 5 के क्यूब से बड़ा है ना ये, इट इज ग्रेटर देन 5 का क्यूब. तो हम लोग 5 को मानेंगे x,
फाइव विल बी टर्म्ड एज एक्स. तो हम इसका क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 3 इंटू 5 का स्क्वायर. कितना आया बताओ, 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आया, 75. इट्स 75 आया. 130 निकालना है. कैसे निकलेगा, देखो 5 से 130 के बीच का गैप बताओ कितना है. इसका क्यूब होता है हमारे पास 125 और 130 के बीच का गैप कितना है, इट्स 5. लिखेंगे 5 + 5 + 5/75. करके देख लो, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट. जस्ट डू इट, ट्राई टू डू इट. आपका आंसर आ रहा होगा 5.066. इससे आंसर आएगा, इससे आंसर 5.06 का आएगा. और वैसे इसका डब आप कर रहे होगे तो 5.065 आ रहा होगा, ऐसा ही आ रहा होगा. इसका क्यूब रूट निकालो 130 का, आपका यही आंसर आ रहा होगा. ये क्या कर रहे हो भाई, बेथुल 76/75 क्या कर रहे हो भाई. ठीक है, सपोज मैंने आपको बोल दिया, और किसका निकालोगे. हेलो कुलकर्णी सर का नमूना, ये क्या नाम रखा पाए भाई, व्हाट इज सच अ नेम यार, क्या करना चाह रहे हो यार. यार मतलब ऐसे कैसे चलेगा भाई, कुलकर्णी सर का नमूना. आप किसी टीचर को क्यों डिफेम कर रहे हो यार, व्हाई आर यू डिफेमिंग एनी टीचर हियर. हाँ आप जो भी हैं जरा मुझे बताइए, व्हाई यू आर डिफेमिंग अ टीचर हियर, एंड वो भी कुलकर्णी सर को. नहीं बात तो नमूना वाली बात तो ठीक है, समझ में आया, बट वो एक अनकिट टोन में बोल रहे हैं, वो उनका एक कैच है, वो उनका एक ऑरा है, कुछ भी है, वट एवर इट इज, बट यू आर यूजिंग अ नेम हियर लाइक दिस, दैट्स अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ करेक्ट मैनर टू रिप्रेजेंट एनी टीचर हियर. आप किसी के नाम को यूज कर रहे हो, ये ग्रुप वाला कंसेप्ट बता दीजिए प्लीज. कौन सा, ये गैप वाला कंसेप्ट. अरे गैप वाला कंसेप्ट कुछ भी नहीं है यार. देखो सपोज मान लो सर बीच बीच में डायलॉग मारते हैं और नमूना. अरे मैं वो समझ गया, लेकिन आप टीचर को बोल रहे हो ऐसा अजीब लगता है यार. आप टीचर के नाम को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे अच्छा लगेगा क्या, अभी कुलकर्णी सर के नाम को यार कैसे कर रहे हो, मजाक कर रहे हो. चलो सपोज मान लो, देखो यार, हाँ इट्स रॉन्ग. देखो यार मुझे किसी की भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है. सपोज मुझे 7 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालना आसान है, नॉट एन इशू. लेकिन इस क्यूब से नेक्स्ट क्यूब के बीच का गैप जो होता है, ठीक है, गैप जो होता है, अगर उसको हम आर्बिट्रेली लेके चलते हैं, हमें पता है कि ये हर जगह सही नहीं लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा. ये नियरली 50-60% पे 3x² वाला फॉर्मूला काम करता है. ठीक है, दो चीजें याद करने वाली हैं आपको, कि सपोज मुझसे कोई पूछता है कि वॉट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 138, मुझे 138 का क्यूब रूट बताओ क्या होगा. तो अगर मैं 138 का क्यूब रूट बनाता हूं, 138 का क्यूब रूट बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखो यार सिंपल सी बात है, जो हम पे समझने वाली है कि ये 125 के बाद आएगा, 125 के बाद आएगा. 125 क्या है, 5 का क्यूब है. तो ये 5 जो है ना, ये आपका बन गया x. समझ में आया बैतूल, इसको माना x. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बीच का गैप निकालना है. तो गैप हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकलता हमारा, हम तो इसको बोलते हैं कि जो नीचे नंबर आएगा ना भाई, यहाँ पे ये 5+ something अपॉन, मुझे नीचे गैप लिखना होता है, यहाँ पे हमेशा गैप आता है. तो ये गैप कैसे करेंगे, ये गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे पता है, यहाँ पे ये एक्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इस एक्स की वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे. मतलब 3 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75. सो यहां से क्या हो गया, इट विल बी 5+ नीचे आ गया 75, और अब यहां से गैप लिख लिया, इट इज 13.
इट इज 13। समझ में आया? आप इससे जब आंसर निकालोगे तो आपका आंसर नियरली एग्जैक्ट आएगा, नियरली आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक तरीके से एफ डैश एक्स, हाँ एफ डैश एक्स आपका गैप हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 13/75 कैसे जल्दी से कैलकुलेट करें, लास्ट ट्रिक आज की बता रहा हूं मैं आपको। 13/75 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें जल्दी से, इस ट्रिक को मैं अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो आप क्या करो, 13/75 निकालना है, 75 को कन्वर्ट कर दो 100 में, 75 को 100 में कन्वर्ट किया तो ये नियरली किसके बराबर होगा आपका, थर्टीन बाय हंड्रेड इट विल बी इक्वल टू 0.13। कितना चेंज आया वैल्यू में, 25 का चेंज आया, दिख रहा है? देर इज अ चेंज ऑफ 25 इन द वैल्यू, दिख रहा है? देर इज अ चेंज ऑफ 25 इन द वैल्यू। तो क्या करेंगे, जब आपने 25 का वैल्यू में चेंज किया है, आपने 25 का वैल्यू के अंदर चेंज किया है, तो क्या करो, इस वैल्यू को 100 से, ठीक है, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करो आप, तो यहाँ पे आपके पास से कन्वर्ट करोगे तो हम इसे लिखेंगे 0.025, और इसको जोड़ दो इस वैल्यू के अंदर, इसको जोड़ दो इस वैल्यू के अंदर, क्या आएगा, इट इज 0.155। तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 0.155। सर 0.13.78 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 13.78 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सस्पेंस बनने जा, सस्पेंस बनेगा धीरे धीरे। 13.78 का स्क्वायर करना है आपको, 13.78 का स्क्वायर, तो सारा तुम टर्म्स ऐसी ऐसी लेके आते हो। देखो यार 13.78 का स्क्वायर करने के लिए मैं लिखूंगा इसको 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर, और मैं इसको दो चीजों में तोड़ लूंगा, मैं इसको तोड़ लूंगा कैसा, देखो मान लो 13.78 का स्क्वायर अगर मुझे लिखना है, सो इट विल बी 13.78 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी व्हाट, इट विल बी 14 माइनस 0. कितने का गैप है, 22 का स्क्वायर। आप इसको यू बना के सॉल्व कर सकते हो, 0.22 का स्क्वायर, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.2 मान के स्क्वायर कर देंगे, 0.2 मान के स्क्वायर मान लो आप इसको, ठीक है। तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस 2 × 14 × 0.2, खत्म। जरूरी क्या हर में अपन को ट्रिक सीखनी है, हम इसको तोड़ के बना सकते हैं ना। अब 14 का स्क्वायर इज इजी टू कैलकुलेट, 0.2 का स्क्वायर तुम कर लोगे और ये तुम कर सकते हो, सिंपल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लास कब होगी, अभी खत्म तो करें इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास परसों होगी, नेक्स्ट क्लास परसों होगी आपकी, ठीक है। चलो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, 10+3.7 का इन्हीं में दिखता होता, थैंक यू पलक, थैंक यू सर। 10+3.7, देखो बैठुल कर सकते हो, लेकिन यार 10+3.7 में तुम 3.7 का स्क्वायर निकालने बैठोगे, अब तुम 3.7 का स्क्वायर निकालने बैठोगे, फिर तुम बोलोगे कि ऐसा 3.7 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। अरे तो बेटा आसान है ना, तो इसको निकाल लो ना, ऐसे इसको ऐसे निकाल लो, ये ज्यादा आसान है, ये निकालने में मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा। जितने में तुम ये करने बैठोगे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सॉरी मल्टीप्लीकेशन मेथड, 13.78 × 13.78, ठीक है, इसका स्क्वायर, उससे कम टाइम यहाँ लगना है, उससे बहुत कम टाइम यहाँ लगेगा तुमको। नियरली तुम उस इसके इस अगर तुम्हें इसको सॉल्यूशन में तुम्हें एक मिनट लग रहा है ना, तो इसका कैलकुलेशन तुम 10 सेकेंड्स में कर सकते हो, अगर मैथ्स अच्छी है, बस मैथ्स का काम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। समझ में आया यार? मैंने देखो शुरुआत किया है ना अभी, देखो तुम्हारे सामने डिवीजन स्टार्ट तो कराना है यहाँ पे, अब इसको अपन और आगे लेके जाएंगे, डिटेल में लेके जाएंगे,
अब हाँ देखो चलो तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं, 10 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लें। हेलो अभिषेक पांडे, अभी 1 घंटा होने ही वाला, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, तुम्हें फोटो लेनी है अपना जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और मुझे भेजना, ठीक है। सपोज मैंने तुमसे पूछा, मुझे बताओ व्हाट विल बी √217, √217, ठीक है, या तुम्हें मिल गया √83, बताओ। मुझे फोटो खींच के भेजो तुम अपने मेथड से जो तुमने सॉल्व करने का बनाया, मेरे दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, और जल्दी भेजो। बेसिक यार, तो मैंने क्या बोला तुम्हारे को भाई, देखो तुम्हारी क्लास का नाम पढ़ो, इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। पहले दिन अगर मैं तुम्हें हाई फाई प्रॉब्लम कराने लग जाऊं अनुपम, देखो पहले दिन अगर मैं तुम्हारे को हाई फाई प्रॉब्लम कराने लग जाऊं, तो फिर तो बड़ा मजा ही आ जाएगा ना। और देखो हर हार्ड प्रॉब्लम को बेसिक में कन्वर्ट करना हमारी एफिशिएंसी दिखाता है, दैट्स आर एफिशिएंसी, दैट्स आर इफेक्टिवनेस, दैट्स आर पार, ठीक है। तो पहले बेसिक तो स्ट्रांग कर लो, आई नो इट्स बेसिक, कर लो, मुझे बता दो फिर एग्जैक्ट आंसर विदाउट कैलकुलेटर। वही चीज है, थोड़ा पहले बेसिक से तो आगे बढ़ो। हम लोग हमेशा हवा में रहना क्यों पसंद करते हैं? एक दिन में कि कोई भी आदमी किसी भी विद्या के अंदर टॉपर नहीं बनता, ये बात को याद रखना। यू कांट बी बेस्ट इन वन डे, बोलो भेजो। पहले वाले का निकाला, इट्स 14 प्लस 21 बाय 29, ओके 14 प्लस 21 बाय 29। कुछ नहीं यार, तुम्हारे को बस ये देखना है किसका स्टार्टिंग नंबर क्या है। स्टार्टिंग नंबर क्या आएगा, 14 का स्क्वायर होगा, ये इतना याद रखना है बस, इट्स 14 का स्क्वायर। तो गैप क्या बनेगा, 14 प्लस 15, काम खत्म। 14 प्लस 15, 81, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। 9 प्लस 19 बाय 2 प्लस 9, ये क्या निकला, 19 कहां से आ गया तुम्हारा? अरे 19 कहां से आया बच्चा? विक्रांत, ये 19 कहां से लेके आए? ये 19 कहां से लेके आए? हंड्रेड का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं बट आंसर नहीं आ रहा, कहां पे? रमेश रोहित, परफेक्ट। 39, 39 कहां से आया? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट 39 बच्चा? 39 कहां से लाए? 39 कहां से लाए? और यहां पे हाँ 29 भी कहां से लाए? सर मैंने 81 और 100 का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। सर 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं बट आंसर नहीं आ रहा, कहां पे नहीं आ रहा बताओ? देखो सुनो, अभी बोल रहे थे कई लोग कि यार सर ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, देख लो बच्चों को बेसिक में भी प्रॉब्लम आ रही है यार, तो बेसिक की तो पहले स्ट्रांग करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ नहीं करना यार, इस प्रॉब्लम में सिंपल है, आपको इससे पहले वाले का स्क्वायर देखना है, दैट इज 14 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 14 प्लस, ठीक है, 14 प्लस, नीचे लिख लिया 14 प्लस 15, दैट इज 29, सिंपल। अब यहां से निकाल लो, देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 1, बोलो 96, 196 माइनस, ये 217 कर लो, खत्म। 217 माइनस 196 करो कितना आएगा, 21, काम खत्म। नो लॉजिक, सीधा दिमाग, आगे चलो, ऐसे क्वेश्चन पे रुकना ही नहीं है। 83 में कैसे करेंगे भाई, 83 निकालना है ना, यहां पर आएगा 81,
81 से पहले क्या आया बताओ? 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर. 9 का स्क्वायर तो कैसे लिखेंगे? इट विल बी 9 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो गया? 19. तो यहाँ आ गया 19, यहाँ आ गया 19 और गैप आ गया 2 का. काम खत्म. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? गैप कितना? गैप देख लो ना यार. अरे गैप तो ऐसे कैलकुलेट करना है ना, बता तो ना रोहित. गैप निकालने के लिए आपको, देखो आपको गैप निकालने के लिए जो भी करना है ना, कुछ नहीं, आपको देखना है कि इससे पहले कौन सा नंबर था. सपोज मान लो मुझे निकालना है अंडर रूट, मुझे अंडर रूट 199 निकालना है. आप अंडर रूट 199 की थोड़ा बड़ा नंबर ले लो. सपोज मुझे अंडर रूट 620, मुझे 620 मुझे सॉरी 641 बोला है, अंडर रूट 641 बोला है. कैसे निकालेंगे अंडर रूट 641? 25 का स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो गया? 25 प्लस 26, बीच का गैप. 25 प्लस 26 बीच का गैप. तो कैसे निकलेगा? इट विल बी 25 और यहाँ आपका होता है 625. 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 26 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 51. काम खत्म. समझ में आया? तो आपको तो बस उस नंबर से पहले वाले का स्क्वायर पता होना चाहिए. उस नंबर से पहले वाले का स्क्वायर पता होना चाहिए. ठीक है, उससे पहले वाले का स्क्वायर पता कर लो, काम अपना हो जाएगा. ये चीज क्लियर हुई? तो अभी एक बार अपन समराइज कर देते हैं. समराइज कर लेते हैं तो शायद आपके लिए चीजें आसान हो जाए. शुरुआत करी थी हमने स्क्वायर की ट्रिक से. स्क्वायर की ट्रिक में हमने क्या देखा बताओ? स्क्वायर की ट्रिक में हमने ये देखा कि गैप कितने का होगा. स्क्वायर की ट्रिक में डिफरेंशिएशन कहाँ देखा बैथुल? स्क्वायर की ट्रिक में हमने बेसिकली ये देखा था कि कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर में गैप सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा. सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर होगा. ठीक है, एक सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं फाइंड 39 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? मुझे बताओ 39 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो मेरी ट्रिक यहां पे भी काम कर जाएगी. कैसे? इसे लिखेंगे हम लोग 40 का स्क्वायर माइनस 40 माइनस 39. काम खत्म. कर लो, आंसर आपका सेम आएगा. 39 का स्क्वायर निकालो, That will be 40 का स्क्वायर माइनस 40 माइनस 39. कंसेक्यूटिव नंबर का गैप निकालना है. 1521 नंबर पहले लिखा हुआ है, आंसर पहले लिखा हुआ है मैंने, ताकि कोई अगर गलत भी करेगा तो अपन निकाल लेंगे. समझ में आया? तो 39 का, ये देखो ये 39 का गैप है, ये आपका 39 का गैप है. मान लो आपसे पूछ लेता है क्या, आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द नंबर 30. ये आपसे पूछ लेता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 48 का स्क्वायर बताओ क्या होगा. तो सिंपल है, कैसे लिखेंगे? 50 का स्क्वायर माइनस
50 minus 49 minus 49 minus 48. Kaam khatam. Done. Hello Harsh Kumar, welcome. Clear hua? Within seconds square niklenge, within seconds. Zyada dimag nahi lagana. बस आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर पता होने चाहिए. देखो बीच बाज के परफेक्ट स्क्वायर जरूर याद कर लेना. कोशिश यही करनी है, बीच बाज के परफेक्ट स्क्वायर याद कर लो. ये ट्रिक लगाओ आपका आंसर विद इन, ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा स्क्वायर निकालने में. स्क्वायर वाली ट्रिक क्लियर हुई? अजीब नहीं लगता? अब आपको नहीं लग रही होगी अजीब? ये अब अजीब होना लग रही है. ठीक है, तो ये चीजें यूज करो, काम खत्म. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. होप सो आपको क्लास में मजा आया होगा. कुछ नया सीखा ही होगा मे बी. ठीक है, इसके अलावा एक और बात, 20th से आपका आईपैड का बैच लॉन्च किया है हम लोगों ने. 20th तारीख से, 20 तारीख से आईपैड का बैच लॉन्च हो रहा है. तो जितने भी लोग हैं वो इसके लिए, अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अच्छी बात है. हेलो विरल, वेलकम. थैंक यू ललित, थैंक यू शेफाली, थैंक यू रोहित, थैंक यू रूपक, थैंक यू मंगल. ठीक है, तो 20 तारीख से क्या हो रहा है, 20 तारीख से अपना एक नया बैच लॉन्च हो रहा है आईपैड के लिए. ये प्रॉपर बैच आपको आईपैड के लिए रहेगा. थैंक यू रजनीश. देखो ये ट्रिक जरूर याद रखना, ये ट्रिक जो है आपको बहुत जगह बताएगी. एक तो ये वाली ट्रिक हो गई, एक आपकी क्यूब रूट. अभी क्यूब रूट में एक ट्रिक और बाकी है, याद रखना. क्यूब रूट में दो ट्रिक हैं, दो स्क्वायर रूट में ट्रिक थी. हेलो आसमा, आसमा आते आते बहुत लेट हो गए, अब तो खत्म ही हो गई क्लास. और आज बहुत कुछ सही सही पढ़ा हमने. ठीक है, तो आईपैड का नया बैच चालू हो रहा है 20 तारीख से. ये प्लस पे हैं, जो भी नए बंदे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज करें. और जो भी बच्चा मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग या मेरे वेरियस लेक्चर्स के रिगार्डिंग, और बहुत सारे लेक्चर मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 9983322722. दिस इज माई नंबर, मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. So this is my name Sagar. Thank you and have a very nice day. iPad ke regarding, kya puch rahe ho aap Asma? Pe hone wala hai tricks ka course, purse pe to kaise hoga? Tricks to sabke liye common rehti hai, special mein hi hoga. तीन लेक्चर होंगे, पहला लेक्चर आज हो चुका है, अब परसों होगा और एक आखिरी लेक्चर आपका होगा 20 तारीख को. सो थैंक यू. जिन लोगों को भी आईपैड के रिगार्डिंग या फिर जो एलिवेट, सॉरी अब एक नया बैच और चालू हो रहा है इग्नाइट के नाम से, इनके बारे में बातचीत करनी हो वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. सो थैंक यू एंड रेटिंग एंड रिव्यू जरूर अच्छी सी कर देना. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.